दा करने आए हैं अपने अपने दिल नजराने लेके तेरे दर बाप और बेटे और रोहिल कुछ के नाम में आमीन और बेटे और रोहल कुछ के नाम में आमीन हमारे मसीह का फजल बाप की मोहब्बत और रोहल कुछ की शराकत आप सब के साथ हो मसीह में मेरे अजीज भाई और बहनों आचम आलमगीरिस के साथ मिलकर ईद पाशका के चौथे इतवार की पाक इबादत में शामिल हैं आज का यह इतवार बुलाहट का इतवार है इस इतवार को हम बुलाहट के इतवार से जानते हैं कि हर साल पाकमा कलिसिया ईद पाशका के चौथे इतवार को बुलाहट के इतवार से मंसूब करती है ताकि हम अपनी बुलाहट को जान सकें पहचान सकें अजीज़ो आज साथ ही साथ मदस डे भी है हम अपनी तमाम माओं को खराज पेश करते हैं उनकी सारी अंतक तक मेहनतों कोशिशों खिदमत के लिए और खुदा से दुआगो हैं कि खुदा उन्हें अच्छी सेहत तंदरुस्ती अता करे बेशुमार नेमतों और फजाइल से मालामाल करे और जमाएँ खुदावन में सो गई हैं खुदा उनको अब भी आराम करे और आज की पाक इबादत का ख़ास तौर पर मकसद जो है वो हमारे मरहूम बुज़ुर्ग मुंशी मसी की रूह के लिए दुआ करना है आप सब जानते हैं कि मरहूम मुंशी मसी बहलोखा के वालिद हैं और गुजा ईस्टर को ईस्टर वाले दिन वो खुदा में हो गए इसलिए आए हम बहलुखा के ख़ानदान के लिए तमाम अजीज वक़ारद के लिए उनकी अहलिया के लिए बेटों और बेटियों के लिए तसली की आज की इस मेमोरियल पाक इबादत में शामिल होंज्आ हम इस पाक इबादत को ख़ुदा की नज़र करने से पहले अपने गुनागार होने का इकरार करें ताकि हम वाजब तौर पर यह इबादत खुदा की नजर गुजरा आए हम उन वक्तों के लिए खुदा से सच्चे दिल से तोबा करें जब हमने अपनी बातों से अपने ख्यालों से अपने कामों से खुदा को अपने बहनों और भाइयों को अपने पड़ोसी को नाराज किया तोबा का अमल ऐ मेरे खुदा मैं अपने सारे दिल से पशमान हूं कि मैंने तेरे बेहद नेकी और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किए हैं मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ सब प्यार के लायक है और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ कि तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगी तुझे नाराज ना करूँगा बल्कि गुनाहों की राहों से किनारा करूँगा हामिद काद्रतली खुदा हम पर अहम फरमाए हमारे गुनाहों को मुआफ करे और हमें हमेशा की जिंदगी में दाखिल आमीन ए खुदावंद रहम कर ए मसीह रहम कर ए खुदावंद रहम कर तशरीफ हम ग्लोरिया का गीत जो है वो सुनेंगे हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएर मुतलिक और असली खुदा हमें आसमानी खुशियों के मुल्क में ले जा तेरा गरीब गल्ला वहां पहुंचे जहाँ उसका होशियार और वफादार गल्लाबान, उसके आगे 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 चला और अब तेरे साथ रूहल कुछ की वहदानीत में खुदा होते हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता है अः मेहरबान बाप अपनी हाजर जमायत के लिए तेरी पाक हजूरी में अल्तजा करते हैं इनके साथ हो इनके घरानों को अपनी हिफाजत में रख आज बिलखसूस हम ये युर्बानी अपने मरहूम बुजुर्ग मुंशी मसीह की रूह के लिए तेरी हजूरी में नजर करते हैं हमारे बजुर्ग की जिंदगी के लिए तेरा शिक्र अदा करते हैं उनकी नेक औलाद के लिए उनके आने वाले तमाम नस्ल के लिए तेरा शुक्र अदा करते हुए दुआ मांगते हैं अपने इस बुजुर्ग को अपने नूर के आला ईवानों में जगह अता कर तमाम बशरी गलतियाँ खताएँ तेरे रहम को ना दबाएँ बल्कि तू मेहरबान होकर रहीम और गयूर बाप बन के इंसानी गलतियों खताही को मेहरबान बाप मुआफ़ कर अब्दी आराम बख्श और बख्श दे के इनका सोगवार कराना तुझ में दिली तसली और इतमान को हासिल करे हम सब के साथ हो अपने कलाम के वसीले से हमारी जिंदगी को बरकत बख्श हम ये दुआ मांगते हैं मसीह मसीहदावंद के वसीले से आमीन अहम आज की पहली तलावत सुने आज की हमारी पहली तलावत सुलों के माल उसका तेरह बाप चौदह और तरतालीस से बावन आज तक पढ़ेंगे। उन दिनों में पालूस और बर्नबाज प्रजा से चलकर संधिया के अंताकिया में पहुंचे और सबत के दिन अबादत खाने में जा बैठे जब आबादत खत्म हुई तो बहुत से यहूदी और खुदा प्रस नो मरीज पालूस और बनबास के पीछे हो लिए जिन्होंने जिन्होंने उनसे बातें करके ताकीद की कि खुदा के फजल में कायम रहें दूसरे सबत को तकरीबन सारा शहर इकट्ठा हो गया ताकि खुदा का क़लाम सुने मगर यहूदी इतना हजूम देखकर हस से भर गए और कुफर बक कर पलूस की बातों की महाल्फत करने लगे तब पलूस और बरनबास दलेरी के साथ बोले कि जरूर था कि खुदा का कलाम पहले तुम्हें सुनाया जाए लेकिन इसलिए कि तुम उसे रद्द करते हो और अपने आप को हमेशा की जिंदगी के नाकबिल ठहराते हो तब देखो हम गैर कौमों की तरफ मतवज़ा होते हैं क्योंकि खुदावन ने यूं ही हमें हुक्म दिया है कि मैंने तुझको यकी तयन किया कि गैर कौमों के लिए नूर होता कि ज़मीन के इंतार तक तेरे जरिए से निजात पहुँचे गैर कौम यह सुनकर खुश हुए और खुदा के कलाम की तारीफ़ करने लगे तब जितने हमेशा की ज़िंदगी के लिए मुकर थे इमान लाए और खुदावंद का कलाम उस तमाम इलाके में फैल गया मगर यहूदियों मगर यहूदियों ने खुदा प्रस्त इज़्ज़तदार औरतों और शहर के रईसों को उबारा और पलूस बरनबाज के खिलाफ फसाद बर्पा किया और उन्हें अपनी सरहदों से निकाल दिया यह अपने पाँव की गर्द उनके खिलाफ जाड़कार कनिया केक चले गए और शागिर्द खुश और रलकदत से महमूर होते रहे पाकलाम के पड़े और सुनजान पर खुदामंद की बरकत हो हमारे लिए आज की दूसरी तलावत मकाशवा की किताब उसका सात बाप नौवी और चौदह सत्रह आदि तक पढ़ेंगे उस वक़्त मैं यूहना ने नज़र की तो क्या देखता हूँ कि हर कौम और कबीले और उम्मत और जुबान में से एक ऐसा बड़ा हजूम जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता सफ़ेद जामा पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियाँ लिए हुए तख्त और भरे के हजूर में खड़ा है और उन बुज़ुर्गों में से एक ने मुझसे कहा कि ये वो हैं जो बड़ी जीत में से निकलकर आए हैं और जिन्होंने अपने जामों को बरे के खून में से धोया है और इन्हें सफ़ेद किया है इसी सब से ये खुदा के तख्त के सामने हैं और उसकी हैकल में रात दिन उसकी इबादत करते हैं जो तख्त नशीन है वो अपने खेमे को उनके ऊपर घा। ये फिर ना तो कभी भूखे होंगे और ना प्यासे और ना इन पर कभी धूप पड़ेगी और ना गर्मी क्योंकि भरा जो तख्त के बीचों बीच हैं वो इनकी गला बानी करेगा और इनको आब हयात के चश्मों तक पहुँचाएगा और खुदा इनकी आँखों का हर आंसू पूछ देगा खुदावंत के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंत की बरकत हो हालेलुया हालेलुया, खुदाबंद फरमाता है अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी बेड़ों को जानता हूँ और वो मुझे जानती हैं हालेलुया, लुइया आपके साथ हो हमारे लिए आज के जिले मुकद्दस बा मुताबिक मुकद्दस योहाना ए खुदावंद तेरी तमजीत हो उस वक्त यीशु ने कहा मेरी बेड़े मेरी आवाज सुनती हैं और मैं उन्हें जानता हूं और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं और मैं उन्हें हमेशा की जिंदगी बख्शता हूं और वो अब तक कभी हलाक ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा जो मेरे बाप ने मुझे दिया है वो सबसे बड़ा है और कोई उसे मेरे बाप के हाथ से छीन नहीं सकता मैं और बाप एक हैं पाक अंजील के वसीले से हम सब की ख़ताएं मुआफ की जाएं एमसी तेरी सत हो तशरीफ रखें जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं उन सबसे इल्तमास है कि वो जो किंदरन कामर है उधर चले जाएं बाजी आस्तर जो है वो उन्हें कैटिकिज्म जो है वो देंगी आज फर्स्ट टाइम जो बच्चे पाकलाम अभी जिनको इतना नहीं समझ ये वाले बच्चे भी जा सकते हैं यस तिमती भी चला जाए और उन्होंने कुछ और भी कुछ तैयार भी किया है स्पेशल चीजें हैं तो बर मेहरबानी हाँ जी अजीजो आज बुलाहट का इतवार है इस इतवार को हम बुलाहट के इतवार से जानते हैं वोकेशन संडे हर एक शख्स की बपतिस्मा की एक बुलाहट है बुलाहट का लफ्ज़ सुनकर हमारे जहन में अक्सर औकात जो नज़रिया पैदा होता है वो ये है कि बुलाया जाना या बुलाहट सिर्फ और सिर्फ काहिन बनने के लिए है या सिस्टर्स के लिए है या मुनाद साहब होने के लिए है या पास्टर बनने के लिए है ये बुलाहट है देखें अगर हम भी ये ख्याल करते हैं कि बुलाहट सिर्फ और सिर्फ कहनाना बुलाहट है या सिस्ट सहबात की बुलाहट है या मुनाद सहबान की मनादी की प्रचार की बुलाहट है तो ये ख्याल गलत है हर एक शख्स बुलाया गया है बुलाया जाना और चीज है उसको सुनना और उस पर हां कहना एक और चीज है बुलाए हम सब जाते हैं हर एक शख्स बुलाया गया है लेकिन किस काम के लिए बुलाए गए हैं आज वो काम हमने और वो एक फेल है काम है उसके बारे में हमने तीनों तलावतों में सुना पहली तलावत में दूसरी तलावत में और पाक अंजील में भी बार बार एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है सुनना सुनना सुनो सुनो ए एजराइल पहली तलावत में बार और मुकदस बलूस रसूल पहली मिशनरी काम पर जा रहे हैं और वहां पर लोगों को तलकीन क्या कर रहे हैं नसीहत खुदा के कलाम को सुनो हमारी बातों पर नहीं मेरी बात नहीं सुननी या किसी और खास बंदे की बात नहीं सुननी चाहे प्रेसिडेंट है या कोई भी खास वो ये ख्याल करके नहीं बात सुननी के फला शख्स रुतबे में मनसब में बड़ा है मुझसे स्टेटस में मुझसे बड़ा है और मैंने हाँ कहना है नहीं आज जिस शख्स की बात पलूस और बरनबास सुनने को कह रहे हैं वो इंसान नहीं बल्कि खुदा है उसकी आवाज सुनने की हमें दावत मिल रही है कि खुदा की आवाज सुनो खुदा की आवाज को सुनो और पहचानो उसकी आवाज पर लब कहो इसी तरह आज की दूसरी तलावत में भी सुनने का जिक्र किया गया है कि योहाना उसने क्या देखा मुकाशफा की किताब में से दूसरी है कि उसने वहां पर देखा उसने सुना कि खुदा किस तरह अपने ममसू चुने हुए लोगों को खुदा बरकत देता है आज की पाक अंजील में भी यही नुक्ता जो है वो सुनने की बात हो रही है कि मेरी बेड़े मेरी आवाज सुनती हैं मेरी बेड़े मेरी आवाज सुनती हैं और मेरी बेड़े मेरे पीछे हो लेती हैं अजीज़ो याद रखें कि सुनना एक बहुत अहम काम है एक बहुत अहम फेल है तकरीबन सेवेंटी परसेंट कम्युनिकेशन आज के दौर में फास्ट मीडिया एंड कम्युनिकेशन के दौर में सुनने से हो रही है थर्टी परसेंट देखने से सुनने से ज्यादा होती है कम्युनिकेशन लेकिन यह कम्युनिकेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि हम बेशुमार चीजें अपने इर्द गिर्द सुनते हैं कुछ के पैगाम शायद क्लियर नहीं लेकिन कुछ की पैगाम हमारे लिए साफ क्लियर क्लियर और साफ होकर हमें खुदा का पैगाम जो है वो मिलता है देखिए सबसे ज्यादा जो हार्ड या फास्ट कह लें जो हेयरिंग सेंस है वो वेल मछली की है वेल्स वेल्स जो है वेल मछली जो है वो समंदर में बहुत दूर दूर तक सुनने की सलाहियत रखती है और कम्युनिकेशन करने की सलाहियत रखती है वेव्स के जरिए एक सर्वे जब मैं नीदरलैंड्स की क्लासेस ले रहा था तो उसमें था ये कि एक सर्वे के मुताबिक वेल्स मछली जो है एशिया से यूरोप कम्युनिकेट कर सकती है सुन सकती है रिस्पॉन्स करती है और ना सिर्फ यूरोप लेटिन अमेरिका ये तीन मुख्तलिफ मुख्तलिफ जगह हैं, लेकिन वेल्स मछली जो है वो इतनी फास्ट कम्युनिकेशन करती है उनकी कम्युनिकेशन क्लियर साफ सादा क्लियर शफाफ होकर वो दूसरी वेल मछली तक पहुंचती है लेकिन ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये एक फैक्ट है क्लियर होना वेल मछली के जो है आवाज वो इतनी सेंसिबल है हम एक और जानवर को जानते हैं जो बड़ा फास्ट है सुनने में और सूंघने में डॉग्स डॉग्स बड़े चौकन्ने होते हैं चल फॉरन फॉरन वो आवाज सुनते हैं सूंघ लेते हैं ये सलाहियत है आप कुछ लोगों को जानते होंगे मैं बल्कि कल ही एक वीडियो देख रहा था एक नाबीना है लेकिन उसकी सुनने की जो कुवत है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो ऑर्गन बजा रहा है पाकिस्तान में है ये पाकिस्तान में जानते भी हैं कुछ वो खास साहब को जो बासरीफ बजाते हैं एक तो वो सिखाते भी हैं अभी गुजरा वाला से जो है मुझे नाम नहीं उनका याद आ रहा लेकिन ये कोई और और कोई नौजवान था जिसकी बनाई अमानत अमानत के वो सिखाते हैं लोगों को उनकी एक कुवत नहीं है लेकिन दूसरी कुवत खुदा ने उन्हें और कसरत में बख्श दी है लेकिन सुनना इसलिए भी जरूरी है कि हम आवाज सुन किसकी रहे हैं देखिए कम्युनिकेशन में अगर सुनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए ना थोड़ी सी आ, हम इसे कहते हैं नॉइस इन कम्युनिकेशन नॉइस इन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है आप लोग सारे जानते हैं व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में व्हाट्सएप पर बात करते हैं सिग्नल क्लियर ना हो तो हम क्या कहते हैं रिकोनेक्ट हो रही है समझ नहीं आ रही दोबारा करो या हम जगह चेंज करते हैं ताकि जो हमारे सिग्नल हैं हमारा फोन वो सिग्नल कैच करे ताकि हमारी कम्युनिकेशन क्लियर हो जिससे हम बात कर रहे हैं उसे सुनाई पूरा दे शाफ साफ और शफाफ सुनाई दे इसलिए ये कम्युनिकेशन में सबसे अहम है अगर सुनना जो है इतना पॉजिटिव है तो सुनना साथ ही साथ थोड़े से मनफी असरात भी लेकर आता है हम सिलेक्टिव सुनना शुरू कर देते हैं सिलेक्टिव सुनने से मरात कि जिसकी आवाज या जिस बंदे की मैं सुनना चाहूं मैं उसकी सुनूं। बाकी जो मर्जी करते रहे बाकी कोई नहीं आज कल हम सिलेक्टिव लिसनिंग या सेलेक्टिव हेयरिंग पर भी आ गए लेकिन अजीजो मसीह आज सुनकर आवाज पहचानने की दावत दे रहे हैं कि उसकी आवाज सुनो किसी और बंदे की नहीं कोई फादर कोई बिशप किसी की नहीं खुदा की आवाज खुदा के कलाम में खुदा की आवाज सुनो खुदा की आवाज पहचानो खुदा के पैगाम को अपनी अपनी जिंदगी के लिए मैं अगर कोई काहिन ये डिसाइड कर सकता ना कि खुदा का कलाम गुड्डू के लिए ये है या कामरान के लिए ये है या बाजियों के लिए ये है तो वो गलत हर एक बंदे ने बल्कि मैं भी जितना जिस तरह आप कलाम पढ़ते हैं सुनते हैं मैं भी उसी तरह कोशिश करता हूं कि मैं भी इसे पढूं, मैं भी उसे समझूं, मैं उसे कबूल करूं मैं उसे मानूं कि इसमें खुदा का पैगाम मेरे लिए किस तरह पिन्हा है मेरे लिए खुदा का कलाम किस तरह छुपा हुआ है इसलिए अजीजो हम जब खुदा के कलाम को सुने तो वो हमें खुदा के करीब लेकर जाए ना के खुदा से दूर कलाम ऐसा जरिया है जो खुदा के करीब लेकर जाने वाला है एक बुक मुझे नहीं पता पाकिस्तानी लोग पढ़ते कितना है आई नो बट मैं भी पाकिस्तानी हूँ तकरीबन तकरीबन मैं भी कम ही पढ़ता हूँ लेकिन फिर भी एक बुक है बड़ी अच्छी लिसनिंग के हवाले से अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड हो तो वो ये बुक केट मैर्फी एक बहुत ही फेमस फीमेल राइटर हैं वो लिखती हैं यू आर नॉट लिसनिंग व्हाट यू आर मिसिंग एंड व्हाई इट मैटर्स ये किताब है जिसमें बातचीत करती हैं वो एम्बिश लिसनिंग की और अपनी मर्जी से सुनने की कभी सुनना मैं सिलेक्टिव होकर सुन रहा हूँ मैं फादर जी की शायद सुन लेता हूँ क्योंकि वो फादर जी हैं अपने हस्बैंड या अपनी वाइफ के नहीं सुनता क्योंकि वो साथ साथ ही रहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता तो इसलिए सुनना जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है आज अजीज़ो एक और खास इबादत है हमारी ये पाक इबादत हम एक और खास मकसद के लिए खुदा की नजर कर रहे हैं अपने भाई लूका के मरहूम वालद मुंशी मसीह के लिए देखें मरहूमीन हमारे खानदान के अफराद होते हैं हमारे अजीज व्देन बहन भाई कभी कभार औलाद कभी कभार हमारे और अजीज दोस्त करीबी ये दायरा कार जो है ये हम इंसानों के इर्द किर्द घूमता है कोई ये नहीं कह सकता कि उसने मौत को नहीं देखा या उसके घर में ऐसा वाकया नहीं हुआ या वो अटल जिंदगी लेकर आया है मुझे चंद रोज पहले एक वीडियो पैगाम सुनने का इतफाक हुआ ये पैगाम बड़ा अच्छा है ये दुनिया हमारा जो जमीन है फाइव बिलियन साल पुरानी है साइंसदानों के मुताबिक कुछ जो साइंसदान है वो इसको वन पॉइंट फोर्टी बिलियन साल पुरानी कहते हैं कि साल इतने साल पुरानी है हम अगर यीशु मसीह की जिंदगी को लेकर जो टाइम चल रहा है टाइम इसको हम कहते हैं एडी एडी ये जो टाइम है कॉमन ईरा जब हम लिखते हैं टाइम तो एडी लिखता है आफ्टर डेथ ऑफ क्राइस्ट ये जो टाइम चल रहा है तो ये भी 2022 चल रहा है यानी 2000 साल गुजर गए टाइम स्पैन जो है वो गुजरता है हमारी लाइफ किसी की भी कोई 500 साल 700 800 साल नहीं बल्कि जो सबकी लेवन क्या कह सकते हैं उसको जनरल लाइफ है सबकी वो पैंसठ से सत्तर है हम पाकिस्तान में जो लाइफ देखते हैं वो शायद यहाँ पर बड़ी अच्छी लाइफ स्पैन है यहाँ पर बेल्जियम की बात कर रहा हूँ तकरीबन 85 80 टू 90 अच्छा लाइफ स्पैन है लेकिन हमारी लाइफ स्पैन क्या है पाकिस्तान में तो और कम है यहाँ पे चलो आज तो और, और बेहतर हो जाती है लाइफ स्पैन 65, 70 और जो जबूर ने वीस है वो भी कहता है जो स्ट्रॉन्ग हो वो और 80 के दायरे में भी जाते हैं और आगे जाते हैं ये हकीकत है लेकिन जब हम ये सारी स्यारे कहकशाए आसमान ज़मीन दूसरे सारे सारे जिंदगी और जमीन के बारे में देखते हैं तो हम बेशुमार दफा इंसान जो है वो बुलक्कड़ है वो ये ख्याल नहीं करता कि बस कल का दिन शायद जो है वो आखिरी दिन भी हो सकता है आखिरी दिन भी आना है आखिरी दिन जो है वो करीब है और हर एक के लिए कोई भी ये ना सोचे ये ख्याल मत करे कि नहीं मेरे लिए ये दिन नहीं आएगा बल्कि हर एक के लिए आएगा इसलिए हमने अपने आप को उस मुताबिक डालना है कि मैं इस ज़मीन पर एक जस्ट एक लाइफ है मेरी और उसको मैंने अच्छे से गुजारना है 65 है 45 है 35 है जितनी भी है मैं इस तरह गुजारूं कि ये ज़मीन जो है इसकी शहादत दे के ये बंदा अच्छा है हमें इंसानों की शहादत की ज़रूरत नहीं हमसे अच्छे अच्छे ताकतवर अमीर तरीन ताकतवर तरीन डिक्टेटर्स, बड़े बड़े जिन्होंने पूरी दुनिया पर सल्तनत की है आजम सब चले गए, जिंदगी और मौत जो है ये एक अटल हकीकत है आज हमारे मरहूम की जिंदगी भी इसी तरह हमारे सामने है कि वो खुदावन में सो गए हैं और वो आज हमें दर्श दे कर जाते हैं कि ये ज़िंदगी फ़ानी है हमारा इस दुनिया पर क्याम चंद रोज़ा है कुछ का ज़्यादा कुछ का कम लेकिन चंद रोज़ा है हम ये ख्याल ना कर बैठें कि यहाँ बहुत देर है यहाँ भी दिल्ली बड़ी दूर है वो नहीं दिल्ली बिल्कुल ही करीब है इसलिए ख्याल करें कि हमारी जिंदगी अच्छी हो और दुआ करें कि खुदा हमें और ज्यादा फजल बख्शे कि हम संजीदा जिंदगी गुजारे संजीदा मतलब वो नहीं सीरियस वाला होने वाला नहीं संजीदा बल्कि खुदा में संजीदा हो ताकि तैयारी की जिंदगी हो कि अगर कल भी ये वक्त आए तो खुदा अच्छी जगह हमें अता करे अच्छा मुकाम हमें अता करे ताकि हम उसकी कुर्बत में हमेशा कायम रहें आज खास तौर पर इबादत में तीसरा अहम आंसर भी है कि आज पूरी दुनिया में हम मदर्स डे मनाते हैं मदर्स डे हमारी माए बैठी हुई हैं हम इन सब को खराज तहसीन पेश करते हैं सारी कुर्बानियों के लिए सारी ख़िदमात के लिए और बेशुमार कुर्बानियों के लिए हर एक काम के लिए जो सिर्फ और सिर्फ मां कर सकती है देखिए इंटरेस्टिंग चीसी एक डरबे में मुर्गा और मुर्गी दाने चुन रहे थे मुर्गा क्या कर रहा है डरबे में से दाना खुद खा रहा है मुर्गी क्या कर रही है उसके साथ चूजे भी थे छोटे वाले मुर्गी क्योंकि चूजे नहीं पहुंच सकते थे उसमें वो में भी दाने रखे थे वो चू मुर्गी जो है वो वहां से दाना लेती और चूजों को देती ये है माँ ये है माँ होना कि खुद नहीं खाना बल्कि बांटना तकसीम करना वाले बच्चों में तकसीम करना वाल वालदे भी अच्छे हैं फादर्स डे भी आ रहा है बिल्कुल निगलेक्ट नहीं करना बट माँ जो है वो कहीं कहीं ना कहीं और ये हकीकत बात है डिसग्री भी कर सकते हैं माँ का रुतबा कहीं ना कहीं बाप से ज्यादा ही है बेशुमार चीजों में कुर्बानियां, बेटे या बेटी को पैदा करना नौमा उसको कोख में रखना पैदा करना ये सब आसान काम नहीं इसलिए आए हम अपनी माँओं को खुरा तहसीन पेश करते हैं उनको मुबारकबाद पेश करते हैं दुआ गो हैं कि खुदा उन्हें बरकत बख्शे दुआ गो हैं कि जो माएँ खुदा में सो गई हैं खुदा उन्हें भी अपद आराम अता अता करे और ख़ास तौर पर जो हयात है हैं हम हमेशा उनकी इज्जत करें एहतराम करें उनकी ज़िंदगी के लिए खुदा के शुक्रगुजार रहें और हमेशा उनकी दुआओं के वसीले से बरकत पाएं देखिए माँ हमेशा जब मुझे अच्छी तरह याद है जब भी घर से बाहर जाना स्पेशली ये नहीं कि खेलने खुलने के लिए भी जाना तो दुआएं मिलनी नहीं जब कहीं सफ़र पर जाना तो मेरी माँ ने बस खुदा तेरे साथ हो सिंपल खुदा तेरे साथ हो और ये दुआ ही काफ़ी है कि खुदा तेरे साथ हो खुदा तुझे बरकत दे खुदा तेरी हिफाजत करे ये माए स्पॉन्टेनियसली अपने मियाँ के लिए अपने बच्चों के लिए जो हैं वो ये दुआएं मांगती हैं ये दुआ ही हमें चाहिए हमें माँ से और कुछ नहीं चाहिए ये दुआ चाहिए कि खुदा हमारे साथ हो और हमारी ज़िंदगी को बरकत बख्शे सिर्फ माँ ये दुआ देती है आए हम अपनी अपनी माओ के वसीले से और आने वाले दिनों में बरकत पाएं ताकि खुदा उनके दुआओं के वसीले से हमें सरफराजी अदा करे मसीह खुदाबंद के वसीले से आमीन असीजुआ हम सब खड़े होकर अपने ईमान का इकरार करें रसूलों का अकीदा मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादर मुतलिक बाप पर जो आसमान और जमीन का हालिक है और ये सुमसी पर जो उसका इकलौता बेटा और हमारा खुदावंद है कुछ की कुदरत में पेट में पे पे पड़ा कवारी मरियम से पैदा हुआ उसने उस के में दुख उठाया बरसक में उतरा तीसरे रोज मुर्दो में से जी उठा आसमान पर चढ़ गया खुदा कादर मतलब आपके देहनेत बैठा है वहां से वो जिंदो और मुर्दू की अदालत के लिए आने वाला है मैं ईमान रखता हूँ रोहल कुछ पर पा कैथलिक मुकदसों की शराकत गुनाहों की माफी जिसम के जीठने और हमेशा की जिंदगी पर आमी हम अपनी दुआएं खुदा के जसूर पेश करें खास तौर पर आलमगीर कलिसिया के लिए अपने रूहानी बाप पोप फ्रांसिस बिशप साहबान की कुल कुलजमायत तमाम खुदा के बुलाए हुए और चुने हुए लोगों के लिए आप सब के लिए तमाम बपतिसमा याफ्ता लोगों के लिए कि खुदा हम सब को बुलाता है कि हम खुदा के साथ व्यवस्थ रहें आए हम खुदा से ये फजल चाहें क्या हम खुदा की आवाज को सुनकर उस पर लब बैक कह सकें अजीजो दुआ करें ए खुदा अपने तमाम अजीजों मरहूमिन को याद करें जो खुदावद में सो गए हैं और खास तौर पर आज दुआ मांगते हैं मरहूम बुजुर्ग मुंशी मसीह के लिए कि मेहरबान खुदा तो हमारे इस बुजुर्ग मरहूम को अब अबधी आरामत आकर उनकी औलाद को बेटों और बेटियों को बहुओं को पोते पोतियों को नवासे नवासियों को हर एक को तसली सब्र और दलेरियत आकर अजीज दुआ दुआ मांगते हैं अपनी तमाम माओ के लिए जो हयात हैं उनकी जिंदगी की दराजी के लिए मेहरबान खुदा तो उम्र की दराजियत आकर सेहत और तंदरुस्ती बख्श उनका साया हमेशा हमारे घरानों और खानदानों पर कायम रख अजीस दुआ करें दुआ मांगते हैं जो माए खुदावद में सो गई हैं खुदा तो उन्हें दिया रामत आकर उनकी बशरी गलतियों ख़ताओं से उन्हें मुबर्रा ठहरा और उन्हें अपने पाक लोगों में शामिल कर अजीजों दुआ करें दुआ मांगना चाहता हूँ आप सब के लिए जो आज खुदा के घर में आए हैं कि खुदा हमेशा आपके घरानों को कारोबार को औलाद को आने वाले अयाम में और ज्यादा कसरत से बरकत और अता करें ऐ खुदा हमारी पना ता ताकत और तमाम शफकत के सरचश में जो दुआएं हमने ईमान के साथ मांगी हैं इन तमाम दुआओं को सुन और कबूल कर और बख्शदे इन दुआओं का असर हमारी ज़िंदगियों तक पहुंचे खुदाबंद के वसीले से आमीन तरीफ तो रखे नसराने का गीत गाए

दुआ करें कि हमारी ये कुर्बानी खुदा कादर मुतलिक बाप के हसूर मकबूल हो खुदा मंद इस कुर्बानी को आपके हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलिसिया के फ़ायदे के लिए मंसूर फरमाए आमीन हम दुआ मांगें खुदा बंद हमारे खुदा बख्श दे कि हम हमेशा अपने आप को इन कई रस्मों के सबब खुशकिस्मत जाने ताकि हमारी बहाली का मसलसल तासर हमें दायमी खुशनुदी का बायस ठहराए हम तुझसेजा करते हैं हमारी इस कुर्बानी को हमारे बुजुर्ग मरहूम मुंशी मिसी के इवस कबूल कर और बख्श दे इस कुर्बानी का असर हमेशा उनकी अबदी जिंदगी तक पहुँचे मसी खुदावंद के वसीले से आमीन खुदावंद आपके साथ हो हम खुदा की तरफ ध्यान लगाएं हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करें ये वाक जब और नहायत मुनासिबे खुद बाप कि हम वक्तर हर वक्त और हर जगह तेरे प्यारे बेटे के वसीले से तेरा शुक्र अदा करें लेकिन खास कर इन दिनों में तेरी सतश करें जब मसीह हमारा फसा कुर्बान हुआ उसी के जरिए नूर के फरजंद हमेशा की जिंदगी में आगे बढ़ते हैं पहले ईमान की खातिर आसमानी बादशाह बादशाहत की बारगाहें खुली रहती हैं उसके मरने से हमारी मौत मौत नहीं रही और उसके जी उठने में सबकी जिंदगी बहाल की गई है इसलिए बादशाह की खुशियों से मामूर होकर दुनिया भर में हर जगह ईद मनाते हैं और फरिश्तों के लश्कर और मुकदसों की जमायत समेत ये कहते हुए तेरी हम दोस्त सना करते हैं कदूस 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 खुदावंद लश्करों के खुदा आसमान और जमीन तेरे जलाल से मामूर हैं आल में बाला पर होशाना मुबारक है वो जो खुदाबंद के नाम से आता है आलम पर होशाना मेहरबान बाप तू वाक ही कदूस है तू पाक है और हर एक पाक चीज तुझ ही से आती है हमारी और अपने बच्चों की दुआएं कबूल कर पाक रू को बेच ताकि ये नजर ये रोटी और ये मैं पाक और मुतबरक हूँ और हमारे खुदामसु मसीह का पाक बदन और पाक खून बने उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली उसने शुक्र किया रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा ए मेरे खुदा बंद मेरे खुदा इसी तरह उसने खाने का बाद मैं का प्याला भी लिया उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो नए और अब दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाएगा मेरी याद में यही किया करो ए मेरे, खुदावन, ए मेरे खुदा हमारे ईमान का बेद ए खुदाबंद हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं हम तेरी क्यामत का इकरार करते हैं कि जब तक के तू ना आए बसहब आप हम तेरे बेटे के मरने और जी उठने को याद करते हैं हम जिंदगी की रोटी और निजात का ये प्याला तेरे आगे पेश करते हैं हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें हमारे के साथ अल्तजा करते हैं बख्श दे के हम मसीह का पाक बदन और पाक खून लेकर रोहलगुद्स की तसीर से आपस में एक बने ए खुदा अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बाप पोप फ्रांसिस हमारे उसकफ योहन बोनी और अपने सब आदमों को याद कर तेरी कलिसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है उसे मोहब्बत उमहबत फरमा अपने बंदे मरहूम मुंशी मसीह पर नजर कर जिसे तूने इस दुनिया से अपने पास बुला लिया बख्श दे कि जिस तरह वो मौत में तेरे बेटे के साथ था उसी तरह वो जीतने में भी उसके साथ रहे हमारे उन भाइयों बहनों बुजुर्गों और बच्चों पर भी नज़र कर जो जी उठने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं नीज तमाम मरहूमों को याद कर उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा हम तुझसे मिन्नत करते हैं हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ का वारी मरियम मुबारक रसूलों और उन सब मुकदसों पर जो जहान में तेरी मर्जी पूरी करते रहे हमेशा की जिंदगी में शरीक हों और तेरे बेटे खुदा मसीह के वसीले से तेरी हम दो सुना कर सके आमीन उसी के जरिए उसी के साथ और उसी में तुझका कादर मुतल खुदा बाप को और रोहल कुछ के वाहदानियत में कामिल इज्जत और तजीम शयान है हमेशा से हमेशा तक आमीन ऐसी पूरे ईमान और भरोसे के साथ खुदावंत की सिखाई हुई दुआ में शामिल हों ए हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक मना जाए तेरी बात सही आए तेरी मर्सी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्ज को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज में बख्श हमें आसमायश में ना पड़ने दे बल्कि बुराइश से आमीन आ खुदा हम तुझसे मनत करते हैं हमें सबदियों से बचाए दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफकत की तौफीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने के इंतजार करते हुए हर वक्त गुनाहों से आजाद और मुसीबत से महफूज रहें क्योंकि बादशाहत कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है आमीन आए हम पूरी दुनिया में सुला सलामती और इतहाद के लिए दुआ मांगे खास तौर पर यूक्रेन, अनरेशिया, सीरिया, शाम, فلسطین उन तमाम ममालिक में जहां जंगो जदल है लड़ाई है कि मेहरबान खुदा प्यार इतहादुला सलामती को कायम करे ए खुदादी मसीह तूने अपने रसूलों से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और उससे वो सलामती था बख्श तेरी मर्जी के मुताबिक है और हमारे जिंदा खुदादी मसीह की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो मैं एक दूसरे की सलामती चाहें सलामती ए खुदा के बर्रे जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है हम पर रहम कर ए खुदा के बर्रे जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है हम पर रहम कर ए खुदा के बर्रे जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है हमें सलामती अनायत कर अजीजो ये है मसीह खुदा का बर्रा जो आज अपनी बेड़ों को बुलाता है मुबारक हम सब जो इस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं ख़ुदावंद, मैं इस लायक नहीं कि तू मेरे हाँ है लेकिन कह ही दे तो मेरी रूह शफा पाएगी इसी का पाक पदन और पाक खून हमें हमेशा की जिंदगी के लिए महफूज रखे आमीन. हम दुआ के लिए अपने सरों को झुकाएं, अनेक चौफान मेहरबानी से अपने गले की निगेबानी कर तेरे बेटे ने अपना बेश कीमत खून बहा कर बेड़ों को बचा लिया अपने कर्म से उनको दायमी चरागाहों में ले जा और हमेशा की जिंदगी अदा कर आज खास तौर पर अपने मरहूम बुजुर्ग मुंशी मसीह के लिए तेरी बाँख जुर्मिल्तजा करते हैं कि मेहरबान खुदा तो उन्हें अब दी आराम अदा कर उसने तेरे तुझ चरवाहे की आवाज़ पर लब कह कर ईमान को हासिल किया सोगवरान के लिए दुआ मांगते हैं उन्हें बड़ी दलेरी और सब्र बख्श हम सब के साथ हो और आज के हमारे यहाँ पर आने को बरकत बख्श बख्श कि हम अपनी माओ की दुआओं के वसीले से और बरकत पाते रहें मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन अज़ीज़ो अभी तमाम माओ से गुजारिश है कि वो बर मेहरबानी अल्तार के सामने तशरीफ़ लाएँ माएँ जितनी भी माएँ हैं वो बर मेहरबानी अल्तार के सामने तशरीफ़ लाए और मेरी बच्चों से भी गुजारिश है कि वो भी ज़रा आ जाए बच्चे अपने नहीं अपने बच्चे नहीं चाहिए थे असल बच्चे बड़े रखे हैं तमाम माओ के लिए आजे 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 भाजी अली आजे सबसे पहले आप सबको मदर्स डे जोरदार तालियों में बहुत बहुत मुबारक हो और ये हमारे छोटा पैक आ रहे हैं बच्चे गुड भाई दो चार तस्वीरें बना ले बारी बारी सबको देनी है यस एक साइड से शुरू कर ले हाँ जी थैंक जी। यू क्यों माइस का अभी नासों को, को देना गो 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 है? वो है ना दूसरे वाले में आ जाओ आ जाओ आ जाओ गो गो, गो। रह गई है भाजी तरह आप भी आ जाओ इधर ही चलो एक एक लाइन में अच्छी सी एक तस्वीर तो बनवाए ना खड़े होके माए जरा चीज चीज सामने सामने डायरेक्ट भाई को देखे इधर thank you. take your place. thank you. thank you. yes. take <laughs> it. yes. i Acha, i said to shri aap i'll be. i'll be. अभी बाजी साजदा जो है वो अपने ससुर के बारे में बैलूका के अबू के बारे में थोड़ी सी उनकी हालात जिंदगी के बारे में बताएंगी तो बाजी प्लीज आ जाए मेरी तरफ से सबको सलाम मैं अपने अब्बा जी की हालात ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी अब्बा जी का नाम मुंशी मसीह और उनकी तारीख पैदाइश फर्स्ट जनवरी 1934 को वो उकाड़ा के एक गांव में दास खोरल में पैदा हुए थे और खेती बाड़ी उनका पेशा था खुदा ने उनको तीन बेटियों और पांच बेटों से नवाजा था और सब शादीशुदा अपने घरों में ख़ुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं अबा जी खुदा प्रस्त और ख़ुश इखलाक इंसान थे हर रोज़ रोजरी पढ़ना पहाड़ी पर जाना और मुक़दस अंतनी का नमीना बाकायदगी से वो करते थे और उनकी ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा मैं वाक़ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जो उन्होंने अपने गांव के लिए एक बहुत बड़ी कुरबानी दी थी जैसा कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि अब्बा अबा जी का जो पेशा था तो वो खेती बाड़ी थी और उनकी जो गांव की ज़मीनें थी वो गवर्नमेंट ने जबत कर ली थी और उनके सिलसिले में उसको दो साल की जेल काटना पड़ी और वो जब दो साल उन्होंने जेल काटी तो वो अपने जितने भी उनके गाँव के किसान थे हमेशा उनको ये कहता था कि तुम लोगों ने घबराना नहीं है तुम लोगों ने ये ज़मीन का ठेका नहीं देना बेशक अगर मेरी जान जाती है तो जाने दो दो साल तक उनको जेल में बहुत ज़्यादा अजीतों का सामना करना पड़ा और उनको जो जो ये सांस की जो प्रॉब्लम थी ये भी उनको जेल में ही हुई थी फिर उसके दो साल के बाद वो लोगों को उनकी ज़मीनें वापस मिल गई उसको रहाई मिल गई फिर उसके बाद अबा जी अपने ख़ानदान में आके खुशहाल ज़िंदगी गुजारते रहे और आखिरी जो अबा जी की ख्वाहिश थी वो रो हमेशा ये कहते थे कि बेटा जब भी मुझे रुखसत करना तो बैंड बाजे के साथ रुखसत करना और हमने ऐसा ही किया बहुत से गांव के लोगों ने हमारे से सवाल किया कि आप लोगों ने अभी तो ये सौ साल के नहीं हुए थे आप लोगों ने इसको बैंड बाजे के साथ क्यों रुख्सत किया तो एक तो हमारे अब्बा जी की ख्वाहिश थी और वो हमेशा खुदा का शुक्र करते थे कि खुदा ने मुझे अच्छी जिंदगी दी है मुझे नेक औलाद दी है और स्पेशल वो ये कहते थे कि मैंने अपने बच्चों के बच्चे और उनके आगे बच्चों को देखा है और ये हम सब के लिए बहुत बड़ी खुशी और बरकत की बात थी और हमेशा अभी आ, आज अब्बाजी को तेईस दिन हो गए हैं और वो स्पेशली अपनी बेटियों से भर के ना अपनी बहुओं से प्यार करते थे और आज तेईस दिन हो गए हम हर रोज पाकिस्तान फोन करते हैं जब भी फोन करते थे पहले तो हमेशा यही कहते थे कि बेटा खुदा आप आपको मान के दिलीसें खोल के आपको ढेर भरकते थे लेकिन अब कभी ऐसी आवाज नहीं आती तो खुदा मैं तो खुदा से यही दुआ करती हूँ कि खुदा बाप हमारे बाप को अच्छी जगह अताक करे शुक्रिया बच्चों ने कुछ अभी मदर्स डे के हवाले से तैयार किया है प्लीज <laughs> सिख्मार, सिख्मार। ये ये बाकी घर में कानों में आकर ही कहेंगे लगता है है ना? आखिरी बरकत से पहले जरूरी ऐलान में खास तौर पर ईस्टर के बाद काफी लोगों से मुलाकात हुई कुछ से नहीं हुई लेकिन नाम बनाम हर एक का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं चर्च कमेटी के साथ साथ जिन्होंने ईस्टर के प्रोग्राम को कामयाब बनाने में ताउन किया उनकी सारी मदद किसी भी मदद के जैसी भी मदद थी माली मदद शख्सी मदद सारी मदद के लिए शुक्रिया खुदा से यही दुआ है खुदा इसी तरह हमेशा आपको बरकत बख्शे और आपके करानों को और ज्यादा खुशियाँ अदा करें चर्च कमेटी में हमारे सात मेंबरान हैं चर्च कमेटी तकरीबन महीने में एक दफा हम ऑनलाइन ही जमा होते हैं ऑनलाइन व्हाट्सएप कॉल के जरिए या किसी और ऐसे मींस के जरिए जहाँ पर ज्यादा लोग जो हैं वो जमा हो सके आज बलाहट का इतवार था जो लोग ये बलाहट अपने अंदर महसूस करते हैं कि वो शायद चर्च कमेटी में आ सकते हैं अपनी कीमती आहरा से हमें नवाज सकते हैं या प्रेजेंस के ज़रिए वहाँ पर किसी न किसी ज़रिए हमारी मदद कर सकते हैं तो ज़रूर रबता करें ताकि हम उनको चर्च कमेटी के मेंबरान में शामिल करें आइंदा आने वाले माह जून थर्टीनथ को दूसरा इतवार है तो दूसरा इतवार इबादत जो है जून तेरह को इसी गिरजाघर में होगी खुदाबंद आपके साथ हो और काद्रतली खुदा बाप और बेटे और रोहलक की बरकत अब से लेकर हमेशा आप सब पर नाजल होती रहे आमीन इबादत हो चुकी खुदाबंद की सलामती में रहे खुदा का शुक्र हो